केशलयमलूनं करुणहयं रणावीधं रत्नं मधुनवमनास्वादितरसं अखण्डं पुण्यानां फलमिव च तद्रूपमनघं न जाने भोक्तारं कमिह समुपस्थास्यति विधिः न जाने भोक्तारं कमिह समुपस्थास्यति विधिः अभिमुखे मयि संहृतमीक्षितं हसितमन्यनिमित्तकृतोदयं विनयवारितवृत्तिरतस्तया न बिभृतो मदनो न च संवृतः या सृष्टिः स्रष्टुराद्या वहति विधिहूतं या हविर्या च होत्री ये द्वे कालं विधत्तः श्रुतिविषयगुणा या स्थिता व्याप्य विश्वं या माहुः सर्वबीजप्रकृतिरतियया प्राणिनः प्राणवन्तः प्रत्यक्षाभिः प्रपन्नः तनुभिरवतु वस्ताभिरष्टाभिरीशः। मैं गौतम का भी करूं? हाँ, धन्यवाद 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 अखिलेश महोदय। इदानीं यानि नामानि आगतानि सन्ति तेषु अहं नाम वदामि, उपस्थिताः सन्ति कृपया काव्यपाठं कुर्वन्तु। हेमंत पांडेय ते वसंती, डॉक्टर आशुतोष पारीका, पीयूष कुमावत, वैद्यनाथ मिश्र, डॉक्टर धनुर्धर झा, अंकित पांडेय, अभिषेक कुमार तिवारी, प्रदीप दुबे, अखिलेश प्रबल, डॉक्टर कस्तूरी देवी वर्मा, सौरभ कुमार पांडेय, अश्वनी शुक्ला, रतनलाल बुनकर, सत्यम शुक्ल, डॉक्टर लक्ष्मी चंद्र शास्त्री, एतेषु ये सन्ति। कृपया मैसेज बॉक्स मध्ये नाम लिख आम जितने भी कमेंट बॉक्स में आए हैं सबका नाम लिख लीजिएगा, उनसे भी कराना है। आम 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 अहम लिखामि। हेमंत कुमार अस्ति चेत आरंभ कर दीजिए और बाद में लिखाते रहिए। आम 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 सुशांत कुमार डे, एकता सिंह, एकता सिंह कृपया करो। यस सर। सर्वोभ्य नमः। मम नाम एकता सिंह अस्ति, अहम सप्तमी कक्षाया छात्रा अस्मिन्। अहम भोपालस्य सागर पब्लिक स्कूल कटारा एक्सटेंशन शाखाया प्रतिनिधित्व करोमि। अहम अभिज्ञान शकुंतलम काव्यस्य श्लोकान् प्रस्तोमि। काव्येषु नाटिकं रम्यं तत्रम्या शकुंतला, तथापि च चतुर्थाङ्कः तत्र श्लोकचतुष्टयम्।
यास्यति यद्शकुन्तलेति हृदयं संस्पृष्टमुत्कण्ठया कण्ठस्तम्भितबाष्पवृत्तिकलुषः चिन्ता जडं दर्शनं वैकदिदिशमिदं स्नेहादरण्यौकसः पीड्यन्ते गृहिणः कथं न तनया विश्लेष दुःखैनवे पातुं न प्रथमं व्यवसति जलं युष्मास्वपि तेषु वा न दत्ते प्रियमण्डनापि भवता स्नेहेन या पल्लवम् आद्येवः कुसुम प्रसूति समये यस्या भवति उत्सवा सेयं याति शकुन्तला पतिगृहं सर्वै अनुज्ञायताम् शुश्रूषस्व गुरून् कुरु प्रिय सखी वृत्तिं सपत्नी निजने पत्युः प्रकृतापि रोषणतया मास्मं प्रतिपं गमः भूयिष्ठं भवदक्षिणा परिजनं भाग्येष्वनुत्सेकिनी यायन्तेव गृहिणी पदं युवतयो वामाकुलस्याधय भूत्वा चिराय चतुरन्त महिष पत्नी दोस्यन्तिं प्रतिरथं तनयानि निलेश भर्ता तदर्पित कुटुम्ब भरेण सारधं शान्ते करिष्यसि पदं पुनराश्रमेऽस्मिन् धन्यवाद सुंदरम सुंदरम एकते धन्यवाद अग्रे सतीश चंद्र महोदय अस्ति वा सतीश चंद्र महोदय पुष्पांजलि हाथी अस्ति वा सर्वेभ्यो नमो नमः अहं वदामि सर्वेभ्यो नमो नमः मम नाम पुष्पांजलि हति अहं केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय श्री रणबीर परिसरे शिक्षाशास्त्री द्वितीय वर्षे अध्ययनं करोमि अहं अभी अहम मेघदूतम महाकाव्य मेघदूतम काव्यस्य एकम श्लोकम गानम करोमि कश्चितिकन्तां विरह गुरुणा स्वाधिकारात् प्रमत्तः सापेनास्तं गमित महिमा वर्ष भोग्येण भर्तुः यक्षश्चक्रे जनकतनया स्नानपुण्योदकेषु स्निग्धच्छाया तरसुवसतिं रामगिर्याश्रमेषु तदनन्तरं तस्मै नद्रौ कतिचिदबला विप्रयुक्तः सकामी नीत्वा मासन् कनकबलया भ्रंसरिक्तः प्रकोष्ठः आषाढस्य प्रथमदिवसे मेघाश्लिष्टसानं वप्रक्रीडा परिणतगज प्रेक्षणीयं ददर्श तदनन्तरं धूमज्योतिः सलिलमरुतं सन्निपातः कुमेघः सन्देशार्थः कुपटुकरणीः
प्राणी भी प्रापणियः इत्यौश्चोक्या परिगणयन् गुह्यकस्तम् ययाचे कामार्ता हि प्रकृतिकृपणा चेतना चेतनेषु तदनन्तरं जातं वंशे भुवन विदिते पुष्करावर्तकानं जानामि त्वं प्रकृतिपुरुषं कामरूपं मघोनः तेनार्थी त्वं कोई विधिवशात् दूरबन्धुर्गतोऽहम् याञ्चामोघाबरमधिगुणे नाध मे लब्ध कामा। धन्यवाद सर्वेभ्यो नमो नमः। शोभनम पुष्पांजलि। अद्य सत्यमः शुक्लः नामानि यानि आगतानि तत्र अहमपि स्मरामि। सत्यमः शुक्लः अस्ति चेत् काव्यपाठं करोतु। मुना प्रधानः आगतः, सः काव्यपाठं कर्तुम् इच्छति। सत्यमः अपि उपस्थितः अस्ति, दृश्यते जी। प्रणाम करोतु सत्यम जी, स्वागतम जी। मैं पहले एक अभिज्ञान शाकुंतलम का श्लोक मैं प्रस्तुत करना चाहूंगा जो शिखंडी संग्रह है। परिचय भी दीजिए, परिचय देकर के बोले जी। मेरा नाम सत्यम शुक्ल, मैं उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थ नगर जिले का रहने वाला हूँ। मैं सौदामिनी संस्कृत महाविद्यालय इलाहाबाद का पूर्व छात्र रहा हूँ। अब यदि आप लोगों की अनुमति हो तो एक अभिज्ञान शाकुंतलम का शिखरणी छंद में जो निबद्ध है उस श्लोक का मैं गान करूं जी। और तत्पश्चात उसके बाद फिर मंदा क्रांता में मेघदूतम के कुछ श्लोकों का मैं पाठ करूंगा। यदा लोके सूक्ष्मम् ब्रजति सहसा तद विपुलताम् यदर्धाभिच्छिन्नं भवति कृतसन्धानमिव तत् प्रकृत्या यद् चक्रं तदपि समरेखं नयनयोर् न मे दूरे किञ्चित् क्षणमपि न पार्श्वे रथ जवार। अब मैं मेघदूतम के कुछ श्लोक जो मंदाक्रांता छंद में निबद्ध हैं उसको प्रस्तुत करना चाहूंगा। कश्चित् कांता विरह गुरुणा स्वाधिकारात् प्रमत्ता शापेनास्तं गमितमहिमा वर्षभोगेण भर्तु यच्छक्रे जनकतनया स्नान पुण्योदकेषु स्निग्धक्षाया तरुषु वसतिं रामगिरेयाश्रमेषु। रसानुकूलः जी, रसानुकूलं छंद स्वरः, रसानुकूलः स्वरः, बहु सम्यक्। अग्रे तस्मिन्नद्रौ कतिचिदबला
विप्रयोक्ता हर्षकामि नीत्वामाशां कनकवलया भ्रंशरिक्ता प्रकोष्ठ आषाढस्य प्रथमदिवसे मेघमाश्लिष्टशानुं वप्रक्रीडा परिणतगज प्रेक्षणीयं ददर्श अग्रे तस्य स्थित्वा कथमपि पुरः कौतुकाधान हेतो अन्तर्बाष्पश्चिरमनुचरो राजराजस्य दद्यौ मेघालोके भवति सुखिनो यन्यथा वृत्तिचेत कण्ठाश्लेष प्राय प्रणयिनी जने किं पुनर्दूरसंस्थे जी आनंद आनंद प्रणमामि प्रणमामि सत्यम जी 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 गुरुदेव बहुशोभन वर्धापनानि प्रणमामि प्रणमामि अग्रे डॉक्टर वीणा मिश्र महोदय सिद्धा अस्ति प्रणमामि अहम अस्मि डॉक्टर वीणा मिश्रा डॉक्टर रामजी मेहता आदर्श संस्कृत महाविद्यालय साहित्यस्य अहम व्याख्यात्री अस्मि भवतां यत् कार्यक्रमः वर्तते यः कालिदास पञ्चदिवसीय कालिदास महोत्सवस्य अमृतपानं कृत्वा कृत्वा अहमपि सोल्लासवती अभवम् यद्यपि मम स्वास्थ्यम् इदानीं कफज्वरेण पीडिता अस्मि तथापि प्रवृत्तास्मि केचन श्लोकान् श्रावयामि सर्वप्रथमं प्रथमा कक्षायाम् अहमपि सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालयस्य छात्रा आसम् तो प्रथमा कक्षातः एव रघुवंश महाकाव्यस्य प्रथम सर्गस्य यत् मङ्गलाचरणं तत् सत्यं मङ्गलाचरणं वर्तते अतः ततः तान् श्लोकान् एव अहं प्रथमं श्रावयामि तदनन्तरं शाकुन्तलस्य वागर्थाविवशम्पृक्तौ वागर्थप्रतिपत्तये जगतः पितरौ वन्दे पार्वतीपरमेश्वरौ क्वो सूर्यप्रभवो वंशः क्वाचार्पविषयामतिः तितिर्षु दुस्तरं मोहात् दुडुपेनास्मि सागरम् मन्दः कवीयशः प्रार्थी गमिष्याम्युपहास्यताम् प्रांशु लभ्ये फले लोभात् उद्बाहुरिव वामनः द्वितीयसर्गस्य एक अथ प्रजानामधिप प्रभाते जाया प्रतिग्राहित गन्धमाल्याम् वनाय पिता प्रतिबद्ध वत्साम् यशो धनो धेनु विषेर्मुमोच इदानीम् अहं शाकुन्तलस्य केचन श्लोकान् श्रावयामि सर्वप्रथमं मङ्गलाचरणं श्रद्धरा छन्दे यत् वर्तते
चतुराद्या वाहति विधि हुतं या हवे या चहोत्री ये द्वे कालं विधत्तः श्रुति विषय गुणा या स्थिता व्याप्य विश्वम् या माहो सर्वबीज प्रकृतिरिति यया प्राणिनः प्राणवन्तः प्रत्यक्षाभिः प्रपन्नस्तनुभिरवतु वस्ताभिरष्टाभिरीशः। अस्मिन्नेव छन्दे अग्रिमः अपि एकः श्लोकः वर्तते। ग्रीवा भंगाभिरामं मुहुरनुपतति स्यन्दने बद्धदृष्टिः पश्चार्धेन प्रविष्टः शरपतन भयात् भूयसा पूर्वकायम् दर्भैरर्धावलीहै श्रमविवृतमुखभ्रंशिभिः कीर्णवर्त्मा पश्योदग्रप्लुतत्वात् वियति बहुतरम् स्तोकमूर्व्यां प्रयाति। एकम् इतोपि वर्तते। यद् यदा लोके सूक्ष्मम् व्रजति सहसा तद्विपुलताम् यदर्धाविच्छिन्नम् भवति कृतसन्धानमिव तत् प्रकृत्यायद्वक्रम् तदपि समरेखं नयनयो न मे दूरे किञ्चित् क्षणमपि न पार्श्वे रथजवा। एकम् इतोपि श्रावयामि। बाढुं बाढुं आनन्द वर्तते सहनीयं वा असह्यको न भवति। भवत्याः एतत् श्रुत्वा श्रुत्वा मनसि आगच्छति यत् एकदिनम् इतोपि वर्धेत एषः कार्यक्रमः। कृपा कृपा भविष्यति। अहं षष्ठी प्रहार यत् षष्ठी व्रतं भवति तत् व्रतमपि कृतवती तस्मात् कारणात् ज्वर कफ पीडिता अस्मि। इदानीं कण्ठः अपि अवरुद्धः वर्तते। यत् शाकुन्तलस्य चतुर्थाङ्कस्य श्लोकः वर्तते तदपि तं श्लोकमपि श्रावयितुम् इच्छामि। प्रभु एक तत् पुनः एकम् अनाघ्रातं पुष्पं किसलयमनूनं कररोहै रनाविद्धं रत्नं मधुनवमनास्वादितरसम् अखण्डं पुण्यानां फलमिव न तद्रूपमनघं न जाने भोक्तारं कमिह समुपस्थास्यति विधि। एकं शिखरणीछन्दे वर्तते तदपि चलापाङ्गं दृष्टिं स्पृशसि बहुशो वेपथुमतिं रहस्याख्यायैव स्वनसि मृदुकर्णान्तिकचरः करं व्याघुन्मन्त्या पिबसिरति सर्वस्वमधरम् वयं तत्त्वान्वेषान् मधुकरहतास्त्वं खलु कृति। इदानीमहं चतुर्थाङ्के प्रविशामि। यत् चत्वारः श्लोकाः सन्ति ये यास्यत्यज्ञ शकुन्तलेति
पुष्पांजलि पाठक अस्ति वा पुष्पांजलि पाठक सतीश चंद्रः जी महोदय अखिलेश कहाँ अस्ति कहाँ पुष्पांजलि पाठक कौन है पुष्पांजलि धन्यवाद स्वागतम 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 नमो नमः अहम पुष्पांजलि पाठक अहम अभिज्ञान मैं अभिज्ञान शाकुंतलम के कुछ श्लोकों का गान करने जा रही हूँ वीडियो ऑन कर लो बेटा जी सरसिज्मनुविद्धं शैवलेनापि रम्यं मलिनमपि हिमांशो लक्ष्मलक्ष्मीं तनोति इयम् अधिकमनोज्ञा वल्कलेनापि तन्वीं किमिव हि मधुराणां मंडनम् नाकृतीनां चलापांगां दृष्टिं स्पृशसि बहुशो वेप्तुमतीं रहस्याख्याईव स्वनसि मृदुकणा कचरह करौ व्याधुन्वत्या पिबसिरति सर्व स्वमधरं वयं तत्त्वा वे अर्थो हि कन्या पर की तब आप अपना वीडियो बंद करके तब गान करें नहीं तो वीडियो वीडियो बंद कर जी नेटवर्क चला जा रहा है वीडियो बंद कर लीजिए नेटवर्क ठीक आएगा
प्रत्यय ध्वनि विच्छित्ति भवति मधुरम श्रावयति पुष्पांजलि भवत्याः स्वरस्य रसः अस्माभिः पीतः धन्यवादः आदित्यः आर्यः अस्ति वा महोदय स्वागतम् अस्ति आम् आम् सर्वेभ्यो नमो नमः अहम् अद्य स्वस्फुट श्लोकः अहम् छन्दम् न जानामि अत्यपि एकम् एकम् भवेत् कालिदासस्य करोमि कालिदासस्य भवेत् तिशा कालिदासस्य अति कालिदास काव्यानि हां कालिदासस्य स्तुति एकम् एकम् भवान् श्रावयतु परन्तु कालिदासस्य भवेत् जी 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 स्वरचित स्तुति नहीं सुना सकता क्या मैं आज बताइए तो... एक सुना दीजिए और कालिदास का सुनाइए ठीक है ठीक है पर्वतानां हिमाद्रैव नगराणां अवंतिका देवतानां पिनाकी च रोचते कालिदासाय मन्दाक्रान्ता छन्दार्थं रसेषु श्रृङ्गारस्तथा अलङ्कारेषूपमार्थं कालिदासं नमाम्यहम् साधु साधु कालिदास आमां धन्यवाद अस्तु इतो आलोक दुबे अस्ति जी महोदय मैं आलोक दुबे इलाहाबाद डिग्री कॉलेज प्रयागराज से हूँ बीए तृतीय वर्ष का छात्र सर्वप्रथम मैं रघुवंश महाकाव्य के प्रथम सर्ग में जो भगवान शिव का वंदना किया गया है अनुष्टुप छंद में है और मैं सर्वप्रथम वहीं से अपना काव्य शुरू करना चाहता हूँ और मैं काव्य पाठ शुरू करने से पहले आप गुरुजनों की वंदना करना चाहता हूँ यदि आदेश हो तो आज केवल महाकवि कालिदास के शब्दों में जो करना है आज केवल कालिदास की के शब्दों में जी वागर्थायु विवसंपृक्तौ वागर्थः प्रतिपत्ये जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ अब मैं अभिज्ञान शाकुंतलम सगरा छंद का पाठ करूंगा या सृष्टिः सृष्टुराद्या वहति विधिहुतं या हविर्या च होत्री ये द्वेकालं विधक्तः श्रुतिविषयगुणा या स्थिता व्याप्य विश्वम् या माहुः सर्वबीजः प्राणिनः प्राणवन्तः प्रत्यक्षाभि प्रपन्न तनुभिरवतु वा विरिष्टाभिरीशः पूर्व में का मंगलाचरण पुनः मैं पाठ करूंगा जो कि मंद्राकांत छंद में है कश्चिद कांता विरह गुरुणा स्वाधिकारात्मतः
सापेनास्तं गति महिमा वर्ष भोगेण भर्तुः यच्छ चक्रे जनक तनया स्नान पुण्योदकेषु समीक्षाया तरुषु वसतिं रामगिर्याश्रमेषु तस्मिन्नद्रौ क्वचित् वला विप्रयुक्तः सकामिः नित्वमासं कनकवलय भ्रंशरिक्त प्रकोष्ठः आषाढस्य प्रथम दिवसे मेघमाशिल्यष्टशानु वप्रकीरा प्रणीत गज प्रेक्षणीयं ददर्श धन्यवाद सर हमें भी बुलाया जाएगा तो अग्रे सतीश चंद्रः अस्ति सर हमें भी बुलाया जाएगा आम जिनकी इच्छा है जो पाठ अच्छे से करते हैं उच्चारण शुद्ध है स्वर अच्छा है वो कर सकते हैं हमारा भी नाम लिख लीजिए अस्तु नाम लिखत तत्र यज्ञ प्रकाश वाजपेयी सुशांत कुमार डे सर राम मिलन मिश्रा हमारा भी लिख लीजिए राम मिलन मिश्रा अस्तु आदौ सर्वेभ्यो गुरुभ्यो नमो नमः मम नाम सुशांत कुमार दे अहम् रणवीर परिसरस्य शिक्षाशास्त्री विभागस्य प्रथम वर्षस्य छात्रः अस्मि अधुना अहम् ऋतुसंहार खण्डकाव्यस्य मंगलपद्यं वक्तुम् इच्छामि विशेषसर्ज्या स्पृणीय चंद्रमा सदा वगाह सुत भारी संचय दिनांतरम्यं प्रशांत मन्मथ निदाग काल समुपागत प्रिये तत्रैव शिशु ऋतुसंहारस्य अंतिम श्लोके कालिदास प्रकृति वर्णनेन सह सर्वेषां कल्याणस्य अपि कामना कृतः तद् विषये श्लोकमेकं श्रावयामि अम्री मंजुळ मंजरी वरसरा सत् कंसुकं जध्वनो जस्याली कुलं कलंक रहितं छत्रासितं सुसितं मत्तेव मलया नील परभृता जद्बंदिनो लोकजी स्वयंब वितरी तरीतु वितनु भद्रं वसन्तानितः तदनन्तरम् अधुना रघुवंश महाकाव्यस्य प्रथम सर्गस्य द्वाविंशति त्रयोविंशति चतुर्विंशति श्लोकः श्रावयामि ज्ञाने मौनं क्षमासक्तौ त्याग्य श्राघ्याभियर्जय विपर्जयः गुणागुणानुबन्धित्वा तस्य संप्रसवा इव अनाकृष्टस्य विषये विद्यानां परदर्शनः तस्य धर्मरतेरासीत् वृद्धत्वं जरसा विना प्रजानां विनयादानां द्रक्षणाद्भरणादपि स पिता पितरस्तसां केवलं जन्म हेतवः तदनन्तरम् अभिज्ञानशकुन्तलनाटकस्य पञ्चम अङ्कस्य द्वितीय श्लोक श्रावयामि रम्याणि वक्ष्यमधुरांश्च निशम्य शब्दान् पर्युत्सक भवति यत् सुखितोऽपि दन्तुः तच्चेतसा स्मरति नुन अवधपूर्व
भाव स्थिराणि जनना तरसौ उदानी तदनन्तरम् अभिज्ञान शकुन्तलस्य चतुर्थ अंके श्लोकचतुष्टयेषु द्वितीय श्लोकं श्रावयामि पातुं न प्रथमं व्यवस्यति जलं जस्मास्वपि तेसया न दत्ते पियमण्डनापि भवतं स्नेहेन या पल्लवम् आद्येव कुसुम प्रसूति समये जस्य भवत्युत्सव सेयं जाति शकुन्तला पतिगृहं सर्वे अनु ज्ञायतम् तदनन्तरं साधु साधु पर्याप्तं पर्याप्तं आलोक एकं निवेदनम् अस्ति यदि अस्माकं मध्ये मान्याः मित्रमहोदयाः उपस्थिताः सन्ति ते शृण्वन्ति चेत् आमुखपटले अस्मिन्नेव कदाचित् छन्दसः कार्यशाला भवेत् इति आवश्यकमेव प्रतीयते यदि कदाचित् समयः लभ्यते तर्हि यद्यपि रसराजी महोदयैः कृता सा कार्यशाला पंडित जगदानंद झा जी महोदय अपि कृता अस्ति परंतु अत्र बहवः दर्शकाः पाठकाः भवन्ति अतः यदि अस्मिन् आमुखपटले भवेत् तर्हि मन्ये वैशिष्ट्येन छात्राः लाभान्विताः भवितुम् अर्हन्ति इति मम जब आदेश करिए तब हो जाएगा इति मम निवेदनं समयस्य अपेक्षा भवतां कृते वर्तते जब आप करिए आदेश करिए तो रसराज जी भी जुड़े रहेंगे जगदानंद जी भी जुड़े रहेंगे हाँ बहुत बढ़िया बहुत जरूरी हो गया है जी जी ठीक 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 अगले चलाए तो शुक्ला जी धन्यवाद नामानि एकदा अहम वदामि अरुण दीप पंत वैभवी शुक्ल राम मिलन मिश्र दुबे सतीश चंद्र दिव्या मिश्र इदानीम् अहं क्रमसे मैं नामोच्चारण करते क्रम से राम मिलन मिश्र स्वागतम मिलन जी आवाज जा रही है माइक खोलिए खोलना है वैभवी शुक्ला सर जी वैभवी शुक्ला सर जी राम मिलन जी आप काव्य पाठ करिए जी सर कश्चिद् कामा विरह गुरुडा स्वाधिकारात् पमत्तः सापेनाङ्गमितु महिमा परसुभोगेण वर्तो यस् चक्रे जनक तनया स्नान पुण्योदकेषु निध छाया तरु सुवसतिं किलाम गिर्याश्रमेषु तस्मिन्निद्रौ कश्चित् डबला विप्रयुक्ता सकामी नित्वमासान् कनकवलये भ्रंसरिक्त प्रकोष्ठः षाढस्य प्रथम दिवसे मेघमाश्लिष्ट सानो वक्रक्रीडा परि तक जपे छेड़ी आम ददर्शा आनंद कथम पुरा कौतुकान है तो रंतवासी चिर मनुचरो राज मेघलो घालो के भवति सुखिनो अप
घिनावन्ति चेता कण्ठश्लेष प्रणयिनि जने किं पुनर्दुःसंसथे प्रत्यशन्ने नभसि दयिता जीवितालं गुणार्थी जीमूतेन सकुशलमयीं हारयेष्यन् प्रवासिं सप्रताग्रे कुटज कुसुमय कल्पितार्घायस्मय प्रीतः प्रीति प्रमुख वचनम् स्वागतम् व्याजहारम् पर्याप्तम् पर्याप्तम् शोभनम् मध्ये किञ्चित् नवलता महोदय अत्र उपस्थिता अस्ति वा मन्ये अधुना नास्ति ओ अस्ति नवलता जी अद्य सत्यव्रत महोदयस्य निधनं जातम् अतएव किञ्चित् तस्मिन् विषये वक्तव्यं श्रद्धांजलि रूपेण कथं तु अत्र छात्राः अपि उपस्थिताः सन्ति ते अपि जानीयुः संस्कृत क्षेत्रस्य महद् वैदुष्यस्य निधनं जातम् अद्य किञ्चित् श्रद्धांजलि रूपेण वाह मस्त थैंक यू वाह वेरी गुड म्यूट कर लीजिए भैया यार किशोर म्यूट प्रोफेसर सत्यव्रत शास्त्री जी आज नहीं रहे वे उनको संस्कृत में एक एकमात्र भी ऐसे विद्वान रहे जिनको ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था दिल्ली में रहते थे गत वर्ष कोरोना से उनकी पत्नी का अवसान हुआ और आज वे नहीं रहे तो मैंने उनका दर्शन दिल्ली में अनेक बार किया और बड़े सरल व्यक्तित्व के विद्वत वैदुष्य का तो कोई उनका साम्य नहीं है विविध विधाओं में उनके बहुत सारी रचनाएं बहुत से महाकाव्य वो बहुत से काव्य उनके रहे विशेष रूप से वैदिक साहित्य में उनका अपार अध्ययन था सरल और सहज व्यक्तित्व के मैंने जो अनुभव किया कि इतने विशाल व्यक्तित्व वाले होते हुए भी वे हम जैसे लोगों को भी अथवा और भी जिनको भी एक बार वे मिले जो उनसे एक बार मिला उसको इतना मतलब उनकी स्मरण शक्ति इतनी तेज थी कि दोबारा मिलने पर वे पहचान लेते थे और वैसा ही व्यवहार करते थे संस्कृत के आधुनिक संस्कृत के वर्तमान संस्कृत के 20वीं शताब्दी के संस्कृत विद्वानों के लिए वे भीष्म पितामह के जैसे थे ऐसा मैं समझती हूँ। बाकी विशेष रूप से मैं जगदानंद झा जी से ही कहूंगी कि वे उनके कुछ विशेष उनके व्यक्तित्व और कर्तृत्व के कुछ विशेष अंशों पर थोड़ा सा चर्चा करें क्योंकि मैं इस समय मैंने अभी देखा कि हाँ वे नहीं हैं हमारे बीच में तो मैं अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ उनको। और श्रद्धांजलि क्या ऐसे व्यक्ति ऐसे व्यक्तित्व के धनी वे श्रद्धांजलि के योग्य न होकर भावांजलि के योग्य हैं। मैं उनको बार बार प्रणाम करती हूँ और उनके महाप्रयाण को उनके महाप्रयाण की जो एक ये यात्रा है वो मोक्ष तक प्राप्त हो उनको पुनर्जन्म न लेना पड़े। यद्यपि गीता में कहा गया है जातस्य ध्रुव मृत्यु तो लेकिन पुनर्जन्म न लेना पड़े का तात्पर्य केवल इतना ही है कि वे पुनः इस मोक्ष को ही प्राप्त करें बस इतना ही मैं चाहती हूँ क्योंकि वे पूर्ण काम हो चुके थे जितना उनका कार्य है वह अपने आप में पर्याप्त था। संस्कृत क्षेत्र में यद्यपि उनके चले जाने से
महान क्षति हुई है, तथापि यह प्रकृति का नियम है और हम लोग उस क्षति की पूर्ति न करते हुए भी यदि उनके वांग्मय को, उनके सिद्धांतों को, उनकी रचनाओं को अध्ययन करें और उन्हें उनके सिद्धांतों पर एक पग भी चलने का यदि हम प्रयास करें तो वही उनके प्रति श्रद्धांजलि और भावांजलि होगी। ऐसा कहकर के पुनः पुनः उनको मैं प्रणाम करती हूँ। धन्यवाद नवलता जी, यह प्रसंग मैं इसीलिए बीच में यहाँ ले आया, क्षमा करेंगे यदि किन्हीं को ये व्यतिक्रम लग रहा हो। हम जिस महाकवि कालिदास को याद करते हैं, उनकी कविता को याद करते हैं, उसी कड़ी में सत्यव्रत शास्त्री जी का भी नाम लिया जाता है। आप पुरी में कुलपति पद, पुरी जगन्नाथ संस्कृत विश्वविद्यालय में कुलपति पद को अलंकृत कर चुके हैं और उनको कई देश के कोई ऐसे पुरस्कार नहीं बचे होंगे संस्कृत के क्षेत्र में या और कोई जो उनको प्राप्त न हुआ हो। द्वितीय संस्कृत आयोग का गठन हुआ था, उसके वो अध्यक्ष रह चुके हैं। थाईलैंड में राजकुमारी को संस्कृत अध्यापन किया था। इस प्रकार से भारत का जो एक सांस्कृतिक संबंध या संस्कृत के साथ थाईलैंड का जो संस्कृत से संबंध है उसको स्थापित करने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका है। थाई राजकुमारी को उन्होंने संस्कृत पढ़ाया। उनकी एक पुस्तक है श्री राम कीर्ति महाकाव्यम, जैसे हम लोग वाल्मीकि रामायण पढ़ते हैं उसी प्रकार से राम के कीर्ति को लेकर के जो थाई देश में रामकथा प्रचलित है उसको लेकर के उन्होंने इस ग्रंथ की रचना की और इसी ग्रंथ पर उनको ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था। जैसा कि नवलता जी कह रही थी कि एकमात्र ऐसे व्यक्ति थे जिनको ज्ञानपीठ मिला है, संस्कृत के क्षेत्र के विद्वान थे, उनको उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान ने भी अपने सर्वोच्च विश्व भारती पुरस्कार से पुरस्कृत किया है। संस्कृत की जहां भी चर्चा होती थी वहां पर सत्यव्रत शास्त्री जी आगे होते थे और उसके लिए उन्होंने आजीवन कार्य किया है। उनके कई काव्य हैं और अनेक नई विधाओं को उन्होंने जन्म दिया, जैसे पत्र काव्यम उन्होंने लिखे पत्र साहित्य के रूप में, थाई देश को लेकर के उन्होंने थाई देश विलासम ग्रंथ की रचना की। तो इस प्रकार से जो आज पढ़ने वाले बच्चे हैं उनको जानना चाहिए, विद्वान लोग तो जानते ही होंगे, उनसे परिचित होंगे, और लोग जो बालक यहाँ पर बालिकाएं आए पढ़ रहे हैं उनको जानना चाहिए कि हमारे बीच में कौन ऐसे विभूति अभी भी हैं, क्योंकि कल उन्हीं की पुस्तकें घूम फिर के पढ़ने को भी मिल सकती है। जैसे कि हम लोगों के बीच में आज ये निरंजन मिश्र जी हैं, आपकी पुस्तक उत्तराखंड संस्कृत विश्वविद्यालय में लगी हुई है। तो एक ग्रंथ रूप में कोई विद्वान होते हैं और कोई जीवित विद्वान होते हैं, तो जब तक जीवित रहे तब तक जाने और जब चले जाएं तो उनको पूर्ण स्मरण कर लेना चाहिए। मुझे आशा है कि आज जब आप लोग इस सभा से बाहर जाएंगे सत्यव्रत शास्त्री जी को के बारे में और अधिक खोजेंगे और जानेंगे। इतने ही कहना है और ये फिर कंटिन्यू रहे यही कार्यक्रम, चूंकि एक महान अपूरणीय क्षति है संस्कृत क्षेत्र की और इसके बारे में चर्चा करना अप्रत्याशित हो गया था, इसीलिए मैं इस प्रकल्प को बीच में शुरू कर लिया था। उनको बहुत बहुत श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ और यहाँ जो भी लोग हैं सभी की ओर से उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। मैं प्रोफेसर मदन मोहन झा जी से निवेदन करूंगी कि आवाज कुछ कम आ रही है, सादर प्रणाम। प्रणाम आप सबको, सादर प्रणाम करता हूँ और मुझे जो पुरस्कार मिला है वो आप सबको ही मैं प्रदान करता हूँ। मैं ये निवेदन कर रही थी कि जी मैं सत्यव्रत शास्त्री बाल साहित्य पुरस्कार आज जी पुरी में, तो आपको प्रणाम, सबको सबको ही समर्पित करता हूँ। तो आज आप पुरी में हैं? जी जी पुरी। बहुत बहुत बधाई। मैं ये निवेदन कर रही थी प्रोफेसर मदन मोहन झा जी से कि संस्कृतम भारतम के पटल पर किसी समय आगे प्रोफेसर सत्यव्रत शास्त्री के व्यक्तित्व और कर्तृत्व पर एक चर्चा अवश्य ही आयोजित करवाएं, तो छात्रों का भी लाभ होगा और हम जैसे विद्वानों का भी लाभ होगा, हमारे अध्ययनशील व्यक्तियों का भी लाभ होगा। धन्यवाद आचार्य जगदानंद झा महोदय, अग्रेसरामः वा अस्माकं मध्ये
डॉक्टर अरविंद कुमार तिवारी महोदय साहित्य आचार्य बाल साहित्य पुरस्कारेण पुरस्कृत समागत तेषां स्वागतम। पुनश्च अद्य दिवंगमनम अभूत संस्कृत क्षेत्रस्य देदीप्यमान सूर्यः संस्कृत विद्वान सत्यव्रत शास्त्री महोदयः तस्य आत्मनः शान्त्यर्थं केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयः श्री रणवीर परिसरः संस्कृतं भारतं आमुख पटल समूहश्च श्रद्धां विदधाति। पुनश्च अस्य कालिदास महोत्सवस्य अस्य कार्यक्रमस्य अग्रेसारणम् अस्माभिः क्रियते। अरुणदीपः पन्तः अस्ति वा? वैभवी शुक्ला अस्तु। अरुणदीपः स्वागतम्। जी 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 सर जी जी वाणु सुरेश वाणी जी मैं वैभवी शुक्ला बोल रही हूँ। अरुणदीप महोदय जी ध्वनि ब्रेक हो जी सर आपकी जी सर आवाज कट के आ रही है जी सर आ रही है हाँ अब प्रॉपर आ रही है अब आ रही है हाँ हाँ जी 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 समशाम हार्दिक अभिनंदनम प्रणामि च। अरुणदीप पंथ इत्यभिधानम उत्तराखंड संस्कृत विश्वविद्यालय हरिद्वार शोध छात्रोस्मि। इदानीं महाकवि कालिदास महोत्सवस्य अभिज्ञान शाकुंतलम इति ग्रंथस्य प्रथम अंकात केचन श्लोका। यदा लोके सूक्ष्मं ब्रजति सहसा तन्विपुलतां यदा देवे चिन्नं भवति चित्तसन्धानमिव प्रकृत्यायं वक्रम् तदपि समरेखं ननयतु न मे दूरे किञ्चित् क्षणमपि न पार्श्वे रजवा किरन् न खलु बाण सन्निपातो यमस्मिन् मृदुनि मृगशरीरे तूलराशौ विवाग्निः क्वत हरिणकानां जीवितं चातिलालं वरद निशित निपाता वज्रसारा सरास्ते यास्यद्यद्य शकुन्तलेति हृदयं संस्पृष्टमूत्कण्ठया कण्ठस्तम्भितवाष्पवृत्तिकलुष चिन्ताजडं दर्शनम् वैक्लव्यं नवतावदिश्रमिदं स्नेहादरण्यौकद पीड्यन्ते गृहिणा कथं नूतनया विश्लेषदो हैर्णवै मन्ये लोक पातुं न प्रथमं व्यवस्यति जलम् जोस्मा स्वपीतेषु या नादते प्रियमण्डनापि भवतां स्नेहेन या पल्लवम् आद्येव कुसुमा प्रसूति समये यस्याभवद्युत्सवः सेयं याति शकुन्तला पतिगृहं सर्वैरुनर्जयताम्। अंतिम श्लोक अर्थो हि पन कन्या परकीय एव तामद्य संप्रेष प्रहि गृहीतु जातो ममायां विशद प्रकामं
प्रत्यर्पितन्यास एवं तरात्मा। धन्यवाद। नमो नमः। धन्यवाद। इतोपि ये हेमंत पांडे डॉक्टर आशुतोष पारिक एतेषु ये सन्ति कृपया वदन्तु। वैद्यनाथ मिश्र पीयूष कुमावत डॉक्टर धनुर्धर झा अंकित पांडेय अभिषेक कुमार तिवारी प्रदीप दुबे अखिलेश प्रबल कोपि अस्ति वा? नमो नमः। मम नाम वैभवी शुक्ला अस्ति। अहम् सप्त कक्षायां पठामि। अद्य भवतां समक्षे अहम् महर्षि कालिदासस्य रघुवंशस्य किञ्चित् श्लोकं श्रावयामि। अथ प्रजानामधिपः प्रभाते जाया प्रतिग्राहितगन्धमाल्यां वनाय पीता प्रतिबद्धवत्सां यशोधनोधेनुमृषेर्मुमोचा तस्याः खुरन्यासपवेत्रपांसुम् अपांसुलानां ध्वरिकीर्तनीया मार्गं मनुष्येश्वरधर्मपत्नी श्रुतेर्बाधं स्मृतिरन्वगच्छत् निवर्त्य राजा दयितां दयालुः तां सौरभेयं सुरभिर्यशोभिः पयोधरीभूतचतुः समुद्रां जुगोपगोरूपधरामिवोर्विं व्रताय तेनानुचरेण धेनुः न्यषेभिशेषोऽप्यनुयायि वर्गः न चान्यतस्तस्य शरीररक्षा स्ववीर्यगुप्ता हि मनुः प्रसूतिः आस्वादबद्धि कबलैस्त्राणाम् कण्डूयनैदर्शनिवारणैश्च अव्याहत हि स्मैरगत हि सतस्या सम्राट् समाराधन तत्परोभूत्। धन्यवाद। आनन्दः आनन्दः वैभवी शोभनम्। सतीश चंद्रः अखिलेश दुबे अश्वनी शुक्लः डॉक्टर लक्ष्मी चंद्र शास्त्री रतनलाल बुनकर अभिषेक कुमार तिवारी एतेषु कोऽपि अस्ति वा? नास्ति। सतीश्चंद्रः नास्ति। दिव्या मिश्रा अस्ति। आमां कृपया श्रावयतु। सर्वेभ्यो नमो नमः। मम नाम दिव्या मिश्रा। अहम् सीएमपी महाविद्यालये स्नातक द्वितीय वर्षस्य छात्रा अस्मि। अद्य अहम् अभिज्ञानशाकुन्तलस्य शार्दूल विक्रीडितं छन्दः श्रावयामि। यास्त्यत्याद्य शकुन्तले हृदयं संस्पृष्टमुत्कण्ठया
कंठ स्तंभित वाष्प वृत्ति कलुषः चिंता जडम दर्शनम वैक्लव्यम ममतावदीदृशमिदं स्नेहादराड्योकसः पीड्यन्ते गृहिणः कथन्तनया विश्लेष दुःखेन वै पीड्यन्ते गृहिणः कथन्तनया विश्लेष दुःखेन वै अथ इन्द्रवज्राछन्द अर्थो हि कन्या परकीयैवा तामद्य सम्प्रेष्य परिग्रहीतुः अर्थो हि कन्या परकीयैवा तामद्य सम्प्रेष्य परिग्रहीतुः जातो ममायं विशदः प्रकामम् जातो ममायं विशदः प्रकामम् प्रत्यर्पितन्यासैवान्तरात्मा अथ मुन्दाक्रान्ता छन्द शब्दायन्ते मधुरमनिलैः कीच कापूर्यमाणा संरक्ताभिस्त्रिपुरविजयो गीयते किन्नरीभिः निर्हादस्ते मुरजैव चेत् कन्दरेषु ध्वनिः स्यात् संगीतार्थो ननु पशुपते तत्र भावी समग्रः तत्र भावी समग्रः धन्यवाद सर्वेभ्यो नमो नमः आनन्दः स्वरे आनन्दः अस्ति कर्णपेयः स्वरः इयमपि मन्ये रसराज महोदयस्य शिष्या वर्तते सर्वा शिष्या वर्तन्ते मैडम् मैं सौदामी संस्कृत महाविद्यालय का पूर्व छात्र आपका शिष्य आपको प्रणाम करता हूँ यत्र यत्र मधुर स्वर तत्र तत्र रसराज जी हमारी पीढ़ी तैयार हो रही है हम व्याप्ति अत्र वर्तते ये हमारे आप सब संस्कृत ये सब संस्कृतम भारतम का कमाल है इसने मंच न दिया होता तो रसराज जी भी कहां बच्चों के बीच में जा पाते रसराज जी भी तो संस्कृतम भारतम के स्तंभ हैं तो बस अब आप ही लोगों का सब सहयोग है सबका इदानीं महोदयः आर पी द्विवेदी महोदय अस्ति वा कृपया यदि भवान काव्य पाठं कर्तुम् इच्छति आगच्छतु स्वागतम् अस्ति क्रमेण सर्वेषां नाम अहं वदन् अस्मि आर पी द्विवेदी महोदय अस्ति न श्रुणोति भवतः ध्वनिर्नायाति इदानीं भवतः सन्देशः प्रेषितः आम् स्वागतम् अहं प्रारम्भात् एव अत्रैव अस्मि श्रीमन् शोभनं भवान् कालिदासरसं पिबति प्रथमं मया एव
अत्र सहभागिता प्रदर्शिता। अस्तु शोभा उद्घाटनम् प्रदर्श्य। विधि महोदय स्वागतम्। धन्यवादः। किं मम क्रमः आगता न वा? आम् आम् भवतः क्रमः कुत्र वर्तते? ध्वनिः वर्तते अधुनैव। आम् आम् काव्यपाठं करोतु महोदय। करोतु करोतु। धन्यवादः। अहमस्मि आरपी द्विवेदी। अहम भोपालस्य सागर पब्लिक जनता विद्यालये टीजीटी संस्कृत पदे अध्यापनरतोऽस्मि। अद्य अहम् अभिज्ञानशाकुन्तलस्य कान् केचित् श्लोकाः प्रस्तौमि यत्र। आशासे भवन्तः सर्वे श्रोष्यन्ति। या सृष्टिस्रष्टुराद्या वहति विधिहुतम् या हविर्या च होत्री ये द्वे कालं विधत्तः श्रुतिविषये गुणा या स्थिता व्याप्ति विश्वम् या माहु सर्वबीज प्रकृतिरिति यया प्राणिनः प्राणवन्तः प्रत्यक्षाभिः प्रपन्नस्तनुभिरवतु वस्ताभिरष्टाभिरीशः अधरः किसलयरागः कोमलविटपानुकारिणौ बाहू कुसुमम् इव लोभनीयं यौवनम् अङ्गेषु सन्नद्धम् अनाघ्रातं पुष्पम् केसलयमलूनं कररुहैः अनावेद्धं रत्नम् मधुनवमनास्वादितरसम् अखण्डं पुण्यानाम् अलमिव च तद्रूपमनघम् न जाने भोक्तारम् कमिह समुपस्थास्यति विधिः। तदनन्तरं शकुन्तलायाः विदाकालस्य दृश्यः समुपस्थास्याम्यत्र। यास्यत्यद्धि शकुन्तलेति हृदयम् संस्पृष्टमुत्कण्ठया कण्ठस्थं भितवाष्पवृत्तिकलुषश्चिन्ता जडं दर्श आवाज म्यूट हो गई। कृपया आवाज अनम्यूट कर लीजिए। आपका माइक म्यूट हो गया है। अपना माइक खोल लीजिए द्विवेदी जी। यद्धि शकुन्तलेति हृदयं संस्पृष्टमुत्कण्ठया कण्ठस्तम्भितवाष्पवृत्ति
भक्ति कलुषश चिंता जडं दर्शनम वैक्लव्यं ममतावदी दृशमिदं स्नेहादरण्यौकसः पीड्यन्ते ग्रहिणः कथं नूतनया विश्लेष दुःखैर्न वै पातुं न प्रथमं व्यवस्यति जलम् युष्मास्वपीतेषु वा नादत्ते प्रियमण्डनापि भवता स्नेहेन या पल्लवम् आद्येवः कुसुमप्रसूतिसमये यस्याः भवत्युत्सवः सेयं याति शकुन्तला पतिगृहं सर्वैरनुज्ञायताम् शुश्रूषस्व गुरून् कुरु प्रियसखी वृत्तिं सपत्नी जने भर्तुर् प्रकृतापि रोषणतया मास्म प्रतीपं गमः भूयिष्ठं भवो दक्षिणा परिजने भाग्ये स्वनित्सेकिनी यान्त्येवं गृहिणी पदं युगतयो वामाकुलस्याधयः भूत्वा चिराय चतुरन्तमहीषपत्नी दौष्यन्तिमप्रतिरथं तनयं निवेश्य भर्ता तदर्पितकुटुम्बभरेण सार्धम् शान्ति करिष्यसि पदं पुनराश्रमेऽस्मिन् अर्थो हि कन्या परिकीय एव तामद्य सम्प्रेष्य परिग्रहीतुः जातो ममायं विशदः प्रकामं प्रत्यर्पितन्यास इवान्तरात्मा प्रत्यर्पितन्यास इवान्तरात्मा सर्वेभ्यो धन्यवादः आनन्दः द्विवेदी महोदयः बहु सम्यक् हेलया लीलया सह भवान् काव्यपाठं कृतवान् अभिनयम् अभिनीतवान् छात्रजीवने 93वें वर्षे छात्रजीवने उज्जयिनी कालिदास महोत्सवात् अहं द्वितीयं स्थानं लब्धवान् आसम् वर्धापनानि तदा डॉक्टर रमाकांत शुक्ल महोदयः अध्यक्षः आसीत् बहु आनन्दः कालिदासस्य समुपासकाः भवादृशाः स्युः ओम् सर्वे एव ग्रन्थाः अधीताः मया कालिदासस्य शोभनं शोभनं धन्यवादः भवान् भवतां सर्वेषां हार्दिकम् अभिनन्दनं करोमि यत् यत् एषः अवसरः प्राप्तः मदीया एका छात्रा अपि उपस्थिता वर्तते एकता सिंहः आमाम्
तस्याः प्रदर्शनं प्रस्तुति अभवत् बहु सम्यक् गीतवती सा सा मेधाविनी छात्रा वर्तते अस्माकं विद्यालयस्य अस्य कार्यक्रमस्य प्रथमे तस्यैव प्रस्तुतिः आसीत् आम् आम् अस्तु महोदय धन्यवादः इदानीं रामशरण अस्ति वा रामशरण जी सर अस्तु प्रस्तोतु लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये रामदूतं नास्ति श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये जी जी सर सानन्दमानं दवने वसन्तम् आनन्दकन्दं हतपापवृन्दं वाराणसीनाथमनाथनाथम् श्रीविश्वनाथं शरणं प्रपद्ये शोभदं रामशरण कालिदासस्य काव्यं श्रावयतु कालिदास का कोई पद्य याद है तो या देख करके सुनाइए सर नहीं मैं तो आज ही सर आज मैंने ज्वाइन किया सर ग्रुप आपका ये सर ग्रुप और फिर मेरे को पता नहीं था कि इसमें क्या था फिर मैं अभी मैंने तो गा देता हूँ चलिए कोई बात नहीं कालिदास का कोई पद्य है तो बोलिए नहीं सर मेरे पास तो नहीं है सर कोई बात नहीं कोई बात नहीं तो, जी 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 अंशिका दुबे कोई ज्वाइन वो पढ़ना चाहते हैं जी जी मैं उन्हीं का नाम लेने जा रहा हूँ अंशिका दुबे और दरभंगा से संजीव जी जुड़े हैं और हमारे विजय त्रिपाठी उड़ीसा से आप यथा समय इन्हें बुला सकते हैं जी विजय बाबा जी 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 धन्यवाद अंशिका जी सर्वेभ्यो नमो नमः मम नाम अंशिका दुबे हम सीएमपी डिग्री कॉलेज स्नातक द्वितीय वर्ष छात्रा अश्विनी स्वागत है अहम मेघदूत श्लोक मंदा कांता छंद प्रस्तुत करोमि मंदम मंदम नोदति पवना सानुकूलो यथा त्वाम् वामश्चायं नदति मधुरम् चातकस्ते सगन्धः गर्भाधान क्षरपरिचया नूनमावधमाला देवी सन्ते नयन सुभगम् भवन्तं बलाका सेविसन्ति नयन सुभगम् हे भवन्तं बलाका अग्रे काश्चित् कान्ता विरह गुरुरा स्वाधिकारात्मतः शापिनासंगमित महिमा वर्ष भोगेर भर्तु यश चक्रे जनक तनया स्नान पुण्योदकेषु स्निग्धच्छायातरशु वसतिं रामगिर्याश्रमेषु रामगिर्याश्रमेषु
वीर्याश्रमेषु तस्मिन्नाद्र कतिचिदवला विप्रयुक्तः सकामी नीत्वा मासान् कनकवलय धन्सरिता प्रकोष्ठः आषाढस्य प्रथम दिवसे मेघमाशिष्टसानम् वक्त्रक्रीडा परिणत गज प्रेक्षणीयं ददर्श प्रेक्षणीयं ददर्श अभिज्ञान शकुंतलम शिखरडी छंद अनाघ्रातं पुष्पं किशलयमलूनं करलुहये रनामीदं रत्नं मधुनवमनासादितरसम् अखाण्डं पुण्यानां फलमिव च तदुपमनघं न जाने भोक्तारं कमिह समुपस्थास्यति विधिः न जाने भोक्तारं कमिह समुपस्थास्यति विधिः धन्यवादः आनंद आनंद अंशिका दुबे अग्रे नामानि सतीश चंद्र अखिलेश दुबे नामानि यानि आगतानि सन्ति तानि अहम् वदन् अस्मि सूच्यां येषां नामानि सन्ति कृपया वदामि कृपया आगच्छन्तु रतनलाल बुनकर अश्वनी शुक्लः सौरभ कुमार पांडे डॉक्टर कस्तूरी देवी वर्मा अखिलेश प्रबल प्रदीप दुबे एतेषु कोऽपि अस्ति चेत् काव्यपाठं कुर्यात् डॉक्टर धनुर्धर झा अंकित पांडेय अभिषेक कुमार तिवारी डॉक्टर आशुतोष पारिक हेमंत पांडेय कोऽपि अस्ति डॉक्टर लक्ष्मी चंद्र शास्त्री अस्तु कोऽपि नास्ति बहु शोभनम् इतोपि कोऽपि अस्ति वा आम् महोदय आम् अवश्यं हरि ओम् किं नाम शङ्कर मया तु तत्र सन्देशपटले अपि प्रेषितं स्यात् जोशी महोदय अयमान्यः सुभार्थसमुपासका विद्वद्रेण्यः विद्वत्तलयः अस्माकं पुरस्तात् विराजमानः गुरुवर्यः सर्वसां प्रणम्य अहं महाकवि कालिदासेन उपनिबद्धाः तत्र अभिज्ञान शाकुन्तलस्य चतुर्थाङ्के पुलकद्वयं श्रावयितुम् इच्छामि सङ्गीतमाध्यमेनैव कंठास्तं भीतवास्पवेति करुषास् चिंता जडं दर्शनं वैक्लव्यं मनकारदिन्द्रियसमिदं स्नेहादरण्यं वसः
कथम न तनया विश्लेषतु न वै पातुं प्रथम व्यवस्यति जलम् प्रियमण्डलादिभवता स्नेहेन या पल्लवम् आद्येव कुसुम प्रसूति समये शकुन्तलापतिहम् सर्वैरनु जायता सेयम् याति शकुन्तलापति गृहम् आचार्य तत्र ये अस्माकं कवयः अभवन् तेषां विषये अपि एकं गीतम् उपनिबद्धा आसीत् नैव क्लिष्ट न च कठिना तदपि श्रावितुं शक्नोमि वा यदि आज्ञां यदि प्रदर्शयन्ति चेत् तदानीम् अहं तत्तु कार्यक्रमस्य ये अध्यक्षः इदानीं केवलं कालिदासस्य श्लोकान् गायन्तु महोदय तत्र अस्माकं ये कवयः आसन् तत्र तु कालिदासस्य अपि अत्र वर्णनम् अस्ति पुनः पुनः कालिदासस्य समारोहो वर्तते अत्र अतः कालिदासस्य उपनिबद्धः श्लोकः स श्लोक एव अत्र प्रस्तोतव्यः इदानीं साधु शङ्करदत्त महोदय भवान् तु अत्र अद्भुता प्रस्तुतिः अभवत् भवता धन्यवादः महोदय धन्यवादः तत्र वाद्य मिश्रितः धन्यवादः भवादृशः काव्यपाठकाः अत्र अपेक्ष्यन्ते इतोपि कोऽपि सन्ति महोदय श्रीमान् विजय त्रिपाठी महोदयः अस्ति वा श्रीमान् विजय त्रिपाठी महोदयस्य अपि वयं श्रोतुम् इच्छामः काव्यपाठं स्वागतं नमो नमः सादरं नमो नमः अस्त्योत्तरस्यां दिशि देवतात्मा हिमालयो नाम नगाधिराज पूर्वापरतोयनिदेवगाय स्थित पृथिव्याव मानदण्ड कश्चित् कान्ता विरह गुरुणा साधिकारात् प्रमत सापि नास्ते गमित महिमा वैश्रभोगेण वर्तु जस्य चक्रे जनकतनया स्नानपुण्योदकेषु स्निग्धश्चाया तरुषु वसतु रामगिर्जाश्रमेषु भागार्थ विवसं प्रोक्तु भागरथा प्रतिपत्तये जगतः पितरो वन्दे पार्वती परमेश्वरो धन्यवाद आनन्द अच्छा मदन मोहन झा मम गुरुवर्यमस्ति अस्मि मम गुरुवर्यम् आसम् तस्य चरणारविन्दे प्रणवाञ्जलि समर्पयामि मम गुरुशिष्टमासीत् शिक्षास्त्रपुर्यां यदा स आसम् तत्र अहं शिक्षास्त्री कृतमासम् जी हूं तो रास्ते का हूं नेटवर्क गड़बड़ है जी जी हाँ आचार्यः प्रोफेसर मदन मोहन झा महोदयः पुर्यां परिसरे सम्यक् तत्र पाठितवान् भवतः
छात्रान् सिद्धान् कृतवान् इति गौरवास्पदम् अस्ति। तस्य करकमलेन शिक्षा स्वीकृतवान्। महोदयस्य अध्यक्षत्वेन। प्रमोद जी अत्र श्रद्धांजलि सामंतरे इति नाम दृश्यते कृष्ण कुमार यादव सुकृति दीक्षित अपि रेज्ड हैंड। आम आम अहम वदामि सौरभ पांडेय भवान कवि पाठम कर्तुम इच्छति प्रारभता। जी महोदय। जी महोदय मेरा नाम सौरभ कुमार पांडे है और मैं रायल नैनी प्रयागराज में श्री आदि गुरु श्री दत्तात्रेय वेद विद्यालय में शुक्ल यजुर्वेद माध्यमिक शाखा का अध्यापक हूँ। मैं आज रघुवंश महाकाव्य का द्वितीय सर्ग का पाठ करूँगा। अथ प्रजानामधिपः प्रभाते जाया प्रतिग्राहित गंधमाल्यां वनाय पीता प्रतिबद्धवत्सां यशोधनुधेनुमृषेर्मुमोच तस्याः खुरन्यास पवित्रपांसु मपांसुलानां धुरिकीर्तनीया मार्गं मनुष्येश्वर धर्मपत्नी श्रुतेरिवार्थं स्मृतिरन्वगच्छत् निवर्त्य राजा दयितां दयालुस्तां सौरभेयीं सुरभिर्यशोभिः पयोधरीभूतचतुः समुद्रां जुगोपगोरूपधरामिशोर्विं व्रताय तेनानुचरेण धेनोर् न्यषेधिशेषोऽप्यनुयायि वर्गः न चान्यतस्तस्य शरीररक्षा स्ववीर्यगुप्ता हि मनो प्रसूतिः। नमो नमः महोदय। धन्यवादः धन्यवादः सौरभ महोदय। इदानीम् अग्रे कृष्ण अस्ति वा कृष्णकुमार यादव। सर्वेभ्यो नमो नमः। स्वागतम्। नाम कृष्ण कुमार यादव। अहम् इलाहाबाद विश्वविद्यालय छात्र अस्मि। अहम् अद्य महाकविकालिदास विरचितम् अभिज्ञानशाकुन्तलम् किञ्चित् श्लोकः पठितुम् इच्छामि। यास्यति अद्य शकुन्तलेति हृदयम् संस्पृतमोत्कण्ठया कण्ठस्तम्भित बाष्पेति कलुषा चिन्ता जडं दर्शनं वैक्लव्यं ममतावदीदृशमिदं स्नेहादरण्यौकुशः पीड्यन्ते गृहिण कथं नूतनया विश्लेषद खैर्नवै विश्लेषद खैर्नवै। अग्रे सोऽश्रोषस्य गुरून् कुरु प्रिय सखी वृत्तिं सपत्नी जने भर्तुर्भि प्रकृतापि रोषणतया मास्मप्रतीपं गमः भोइष्ठं भवदक्षिणा परिजने भाग्येशनु सेकिनी यान्तेवं गृहिणे पदं युवतयो वामाकुलस्याधया। अंतिम श्लोक अर्थो हि कन्या परिकीय एव तामद्य संप्रेष्य परिग्रहीतुः जातो ममायं विशिदा प्रकामं प्रत्यर्पितन्या शिवान्तरात्मा।
शोभनम शोभनम कृष्ण धन्यवाद महोदय अस्तु इदानीं सुकृति अस्ति सुकृति अस्मि महोदय आमाम् एकं द्वयं भवति अपि श्रावयतु सर्वेभ्यो नमो नमः या सृष्टिः सुराद्या वहति विधिहुतं या हविर्या च होत्री ये द्वे कालं विधत्तः श्रुति विषय गुणाया स्थिता व्याप्य विश्वम् या माहु सर्वबीज प्रकृतिरिति यया प्राणिनः प्राणवन्तः प्रत्यक्षः विप्रपन्नस्तु विरवतु वस्ताभिरष्टाभिरीशः शुश्रूषस्व गुरून् कुरु प्रिय सखी वृत्तिं सपत्नी जने भर्तुर्वे प्रकृतापि रोषणतया मा स्म प्रतीपं गमः भूयेष्ठं भव दक्षिणा परिजने भाग्ये स्वनोत्सेकिनी यान्ति मम गृहिणी पदं सुवतयो वामाकुलस्याधयः याति हम गृहिणी पदं युवतयो वामाकुलस्याधयः अग्रिमे अहम् मेघदूतस्य मंगलाचरण प्रस्तौमि कश्चित् कान्ता वीरः गुरुणा स्वाधिकारात् प्रमत्तः शापिनास्तं गमित महिमा वर्ष भोगीण भर्तु यक्षश्चक्रे जनकतनया स्नानपुण्योदकेषु स्निग्धच्छाया तरुसुवसतिम् रामगिर्याश्रमेषु रम्याणि वीक्ष्य मधुरांश निशम्यशब्दान् पर्युत्सुकी भवति यत्सुखिनोऽपि जन्तुः तच्चेत् सस्मरति नूनम् अबोधपूर्वम् भावस्थिराणि जननान्तरसौहृदानि अन्तिम छन्दः अस्ति अनाघ्रातं पुष्पं किसलयमालूनं करेरुहे रनावेद्धं रत्नं मधुनवमनास्वादितरसम् अखण्डं पुण्यानां फलमिव च तद्रूपमनघं न जाने भोक्तारं कमिह समुपस्थास्यति विधि धन्यवादः सर्वेभ्यो नमो नमः सुकृति किसकी शिष्या हो बेटा जी महोदय आपके कौन है
बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। मैं सोच रही हूँ आप भी रसराज जी की शिष्या तो नहीं है, है? किसकी शिष्या है हम? आप सबकी शिष्या है मैडम, सबकी शिष्या है, सबका आशीर्वाद उसे। नहीं बहुत सुंदर, आप सबका आशीर्वाद है। स्वर उच्चारण भाव अभिव्यक्ति सब कुछ बहुत सुंदर। जत्र जत्र रस प्रतीति तत्र तत्र रसराज महोदयस्य गुरुत्वम्। मिश्र महोदय अभी अस्तु। आनन्दाय एषः कार्यक्रमः प्रवर्तते। अग्रे कस्यचिद् काव्यपाठकस्य नाम इदानीं नागच्छति, सूच्यां येषां नामानि सन्ति अहं तु गृहीतवान्, बहुधा नामानि गृहीतवान्, रतनलाल सुनकर अश्विनी सुनः धनुर्धर झा महोदयः पीयूष कुमावत वैद्यनाथ मिश्र अंकित पांडे अभिषेक कुमार तिवारी प्रदीप दुबे धनुर्धर झा संप्राप्त है प्रायः धनुर्धर झा संप्राप्त है अत्र रस प्रवाहे धनुर्धराणाम अपि आवश्यकता। कामदेवस्य धनु तो आवश्यकम् एव। अहम् अस्मि परन्तु गृहात् बहिरस्मि। एकं किमपि श्रावयतु, एकं पद्यं श्रावयतु। इतोपि केचन सन्ति, प्रदीप दुबे, अखिलेश प्रबल, डॉक्टर कस्तूरी देवी वर्मा, एते सूचीबद्धाः नामांकिताः रजिस्टर्ड काव्यपाठकाः सन्ति, परन्तु कार्यक्रमे नागतवन्तः। स्वकीयं काव्यं प्रस्तोतुं तु आगच्छन्तु, पुनः गच्छन्तु। अत्र बहवः स्वकीयं काव्यं पठन्ति गच्छन्ति। वयं तेषां काव्यं शृणुमः, परन्तु अस्माकं ते न शृण्वन्ति। चलिए आगे बढ़ाइए शुक्ल जी। डॉक्टर लक्ष्मी चंद्र शास्त्री, ऋतु संहार का रसराज जी कुछ करेंगे ना आज? जी 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 जी, तो कार्यक्रमाध्यक्ष जी की अनुमति हो तो तिवारी जी जो पार्टिसिपेट बहुत दूर देश से जुड़े हुए हैं। जी जी, आपके कर्म से मैं जुड़ा हूँ और विजय त्रिपाठी मेरे मित्र और आपके शिष्य हैं, इसलिए मैं आपको पुनः प्रणाम करता हूँ। अभी तो दीप्ति दीप्ति विष्णु जी है, अरविंद जी है, अरविंद जी के साथी है, और संजीव संजीत झा जी का भी क्रम है, यदि जुड़े हो तो उन्हें बुलाएं आप, मैंने उन्हें फोन करके स्पेशली बुलाया है आज। प्रणाम करता हूँ मैं, संजीव जो मैं हूँ भाई साहब। अच्छा, आपको स्वागत है। संजीत जी है, प्रणाम करता हूँ। पति सुनाने हैं आपको सुंदर स्वरूप, ध्यान रखिएगा भाई। तो सुनाओ क्या? हाँ, शुरू हो जाइए, शुरू हो जाइए। शुभ कार्य में विलंब क्यों? मैं चार पांच पद्य सुनाता हूँ अभिज्ञान सारी दल से। यस्यत्यद्य शकुन्तलेति हृदयं संस्पृष्टमोत्कण्ठया कण्ठः स्तम्भितवाष्पवृत्तिकलुषश्चिन्ता जडं दर्शनम् वैक्लव्यं मम तावदीदृशमिदं स्नेहादरन्यौकसः पीड्यन्ते गृहिणः कथं नुतनया विश्लेषदुःखैर्नवैः शुश्रूषस्वगुरुन् कुरु प्रियसखी वृत्तिं सपत्नीजने वर्तुर्विप्रकृतापि रोषणतया मा स्म
प्रदीपं गमः भूयेष्ठं भव दक्षिणा परिजने भाग्येष्वणोत्सेकिनी यान्त्येवं गृहिणी पदं युवतयो वामः कुलैश्चाधयः अस्मान् साधु विचिन्त्य संयमधना नुच्च हि कुलं चात्मनः त्वय्यस्यः कथमप्यबान्धव कृतां स्नेह प्रवृत्तिं च ताम् सामान्य प्रतिपत्ति पूर्वकमियं दारे सुदृश्य त्वया भाग्यायत्तमतः परं न खलु तद् वाच्यं वधू बन्धुवि पातुं न प्रथमं व्यवस्यति जलं युष्मास्वपि ते सुया नादत्ते प्रियमण्डनापि भवतां स्नेहेन या पल्लवम् आद्येवः कुसुमप्रसूतिसमये यस्य भवत्युत्सवः सेयं याति शकुन्तलापतिगृहं सर्वैरणो ज्ञायताम् क्षौमं केनचिदिन्दुपाण्डुतरुणा माङ्गल्यमाविष्कृतम् निष्ठ्युतश्चरणोपभोगसुलभो लाक्षारसः केनचित् अन्येभ्यो बाणदेवता करतलैरापर्वभागोत्थितिर् दत्तान्याभरणानि नः किशलय छायामते स्पर्धिभिः धन्यवादः बहुत अच्छा आनंद होरा द्वयम् अभवत् सप्तवादनतः नववादनम् यावत् अभ्यर्थिनः एव काव्यपाठं कुर्वन्ति इदानीं विंशति काव्यपाठकाः काव्यपाठं अकुर्वन् इदानीं कालः अतिक्रामते अतः ये विद्वांसः अग्रे पंक्तौ सन्ति तेषाम् एव क्रमः अस्ति ते अस्मान् आनन्दयन्तु इति अहं कार्यक्रमाध्यक्ष महोदयान् प्रार्थये मिश्रमहोदय कृपया भवान् वदन्तु के प्रथमतया आगच्छन्ति इति अरे प्रथमतया तु सम्मुखस्था दीप्ति विष्णु इत्यस्य अभवत् दीप्ति विष्णु तदनन्तरम् अरविन्द तिवारी महोदयाः तेषां महोदयानाम् एकः मित्रम् अस्ति तत्र पार्श्वे तेषामपि भवेत् ततः हर्षराज महोदयाः आम् तस्य महोदय विदय त्रिपाठी महोदयस्य अभवत् अरविन्द महोदयस्य पार्श्वे यः अस्ति महोदयस्य अभवत् दीप्ति महोदयायाः भवतु पुनः अरविन्द महोदयस्य अस्तु दीप्ति महोदय महोदय स्वागतम् धन्यवाद सर स्वागतम् नास्ति चेत् अरविन्द अस्ति अस्ति श्लोकद्वयं केवलं सरसिजमनुविद्धं शैवलेनापि रम्यम् मलिनमपि हिमांशोर्लक्ष्मलक्ष्मीं तनोति इयमधिकमनोज्ञा वल्कलेनापि तन्वी किमिव हि मधुराणां मण्डनं नाकृतीनां किमिव हि मधुराणां मण्डनं साधु साधु अनन्तरम् एकम्
माया नादत्ते प्रियमंडनापि भवता स्नेहेन या पल्लवम् आदेवः कुसुम प्रसूति समये यस्याभवत्युत्सवः सेयं याति शकुन्तलापतिग्रहं सर्वैरनुज्ञायता सेयं याति शकुन्तलापतिग्रहं सर्वैरनुज्ञायता धन्यवाद बहु शोभनं सर्वेभ्यो नमो नमः नमो नमः गुरुवाय दीप्ति विष्णु महोदय तू अस्माकं कार्यक्रमेषु सर्वदा रसं पाययति काव्य पाठेन इदानीं अस्य कार्यक्रमस्य ये मार्गदर्शकाः सन्ति तेषां विदुषां काव्य पाठक्रमः वर्तते तत्र साहित्यिकाः आचार्याः विद्वांसः बाल साहित्य पुरस्कारेण सम्मानिताः अद्यैव नूतनाः बाल साहित्य पुरस्कृताः अस्मासु सन्ति डॉक्टर अरविंद कुमार तिवारी महोदयः तेषां स्वागतम् अस्ति ये स्वकीयं काव्य पाठं श्रावितवन्तः ते कृपया अस्माकम् अपि काव्य पाठं श्रुणवन्तु लेफ्ट मा भवन्तु इति आदित्य आर्य महोदय प्रारंभादेव अस्ति भवतु नाम अरविंद तिवारी महोदय अरविंद कुमार सादरं स्वागतं नमो नमः इदानीं सर्वमपि भवद्भिः श्रावितमेव तर्हि पुनः पुनः पुनरुक्तिरेव भविष्यति भवतु नाम तथापि एकादशी अद्य वर्तते श्वः अपि वर्तते शापान्तः तु अवश्यमेव जातः एकमेव पद्यं भर्तुर्मित्रं प्रियमभिधवे विद्धि मामम्बुवाहं तत्सन्देशैर्हृदयनिहितैरागतं त्वत्समीपं यो वृन्दानि त्वरयति पथि श्राम्यतां प्रोषितानां मन्द्रस्निग्धैर्ध्वनिविरबलावेणि मोक्षोत्सुकानि यात्येकतोस्तशिखरं पतिरोषधीनामाविष्कृतोरुणपुरःसर एकतूर्का तेजोद्वयस्य युगपद्व्यसनोदयाभ्याम् लोको नियम्यतैवात्मदशान्तरेषु ॐ या सृष्टिस्रष्टुराद्या वहति विधिहुतं या हविर्या च होत्री ये द्वे कालं विधत्तः श्रुतिविषयगुणा या स्थिता व्याप्य विश्वम् या माहुः सर्वबीजप्रकृतिरिति यया प्राणिनः प्राणवन्तः प्रत्यक्षाभिप्रपन्नस्तनुभिरवतुश्चाविरश्चावीरीशः तदपि एकं यत् बहुधा श्रावितम् अद्यापि श्रावयामि एकैश्वर्यै स्थितोऽपि प्रणतबहुफले यः स्वयं कृत्तिवासः कान्ता सम्मिश्रदेहोऽप्यविषयमनसां यः परस्तादियतीनाम् अष्टावीर्यस्य कृष्णं जगदपि तनुभिर्बिभ्रतो नाभिमानः सन्मार्गालोकनाय व्यपनयतु सवस्तामसीं वृत्तिमीशः शुश्रूषस्वगुरुं कुरु प्रिय सखि वृत्तिं सपत्नी जने भर्तुर्विप्रकृतापि रोषणतया मा स्म प्रतीपं गमः भूयिष्ठं भव दक्षिणा परिजने भाग्ये स्वनुत्सेकिनी
यान्त्येवं गृहिणी पदं युवतयो वामः कुलस्याधयः विचिन्तयन्ती यमनन्यमानसा तपोधनं वेत्सिनवामुपस्थितं स्मरिष्यति त्वां न सबोधितोऽपि सन् कथां प्रमत्तः प्रथमं कृतामिव हर हर महादेव अमरवाणी जयता आनंद आचार्याय नमो नमः ते बाल साहित्य बहुमानं प्राप्तवते बालवते बाल मनसे ते नमो नमः इदानीं अग्रे रसराज महोदयानां क्रमः वर्तते सर्वेभ्यो नमो नमः आदौ विक्रमोर्वशीय वशीयव नाटकस्य नान्दीं प्रस्तौमि तदनन्तरं ऋतुसंहारस्य शरद वर्णनं प्रस्तौमि वेदान्ते सुयमाहुरे कपुरुषम् वेदान्ते सुयमाहुरे कपुरुषम् व्याप्यास्थितं रोदसी यस्मिन्नीश्वर इत्यनन्य विषयः शब्द तो यथार्थाक्षरः अन्तर्यश्च मुमुक्षुभिर्नियमिता प्राणादिभिर्निर्नते अन्तर्यश्च मुमुक्षुभिर्नियमिता प्राणादिभिर्मृग्यते सास्थाणो स्थिरभक्तियोगसुलभो निःश्रेयसायास्तु वः साम्प्रतं शरदकालः सर्वे जानन्ति ऋतुसंहारकाव्यस्य पद्यानि प्रस्तौमि शरदि कुमुद संगात वायवो वांति शीता शरदि कुमुद संगात वायवो वांति शीता विगत जलद वृंदा दिग्विभागा मनोज्ञा विगत कलुष मंभास चान पंका धरित्री विमल किरण चंद्रम ब्रह्म तारा विचित्रम कर कमल मनोज्ञा कांत संसक्त हस्ता वदन विजित चंद्रा काश्चिदन्यास्तरुण्यः रचित कुसुम गंधि प्राय सो यांति वेश्म प्रबल मदन हेतो त्यक्त संगीत रागा सुरत रस विलासा सत्सखी भी समेता असम शर विनोदम सूचयन्ति प्रकामम् अनुपम मुखरागा रात्रि मध्ये विनोदम् शरदि तरुण कांता सूचयन्ते प्रमोदान् दिवस दिवस करमयूखैर् बोध्यमानं प्रभाते वरयुवति मुखाभं
पंकजं दृम्भते कुमुदमपि गते स्तं लीयते चंद्रबिम्बे हसितमिव वधूनां प्रोषिते सुप्रियेषु असितनयन लक्ष्मीं लक्षयितोत्पलेषु असितनयन लक्ष्मीं लक्षयितोत्पलेषु क्वणितकनककाञ्चीं मात्तहंसास्वनेषु अधररुचिरशोभां बन्धुजीवे प्रियाणां पथिकजन इदानीं रोदिति भ्रान्तचित्तः हारैः सचन्दनरसैस्तनमण्डलानि श्रोणीतटं सुविपुलं रसनाकलापैः पादाम्बुजानिकलनूपुरुषेखरैश्च नार्यः प्रहृष्टमनसोऽद्य विभूषयन्ति स्फुटकुमुदचितानां राजहंसाश्रितानां मरकतमणिभासावारिणाभूषितानां श्रियमतिशयरूपां व्योमतोयाशयानां वहति विगतमेघं चन्द्रतारावकीर्णम् हंसै सम्पन्नशालिनिचयावृतभूतलानि स्वस्थस्थितप्रचुरगोकुलशोभितानि हंसैः ससारसकुलैः प्रतिनादितानि सीमान्तराणि जनयन्ति निरां प्रमोदम् हंसैर्जिता सुललिता गतिरङ्गनानां मम्भोरुहैर्विकसितैर्मुखचन्द्रकान्तिः नीलोत्पलैर्मदकलानि विलोचनानि भ्रूविभ्रमाश्रुचिरास्तनुभिस्तरङ्गैः श्यामालताकुसुमभारनतप्रवालाः स्त्रीणां हरन्ति धृतभूषणबाहुकान्तिम् दन्तावभासविशदस्मितचन्द्रकान्तिम् कङ्केलिपुष्परुचिरानवमालिता च कङ्केलिपुष्परुचिरानवमालिती च केशान्नितान्तघननीलविकुञ्चुताग्रान् आपूरयन्ति वनितानवमालितीभिः कर्णेषु च प्रवरकाञ्चनकुण्डलेषु नीलोत्पलानि विविधानि निवेशयन्ति मन्ये आनन्दः आनन्दः अलं धन्यवादाः इदानीं यथा कार्यक्रमाध्यक्षमहोदयः आदिशति नवलताजी महोदय उपस्था सन्ति आम् अस्ति अस्ति इदानीं भवतामेव क्रमः भवतीनामेव क्रमः अस्तु मैडम आपकी म्यूट ऑफ म्यूट ऑन है
अब ऑन हो गई ना, ऑन जाता मतना। तो काव्य पाठ पूर्व किंचित वक्तु कामापि अस्मि अत्र अत्र अस्मिन् पटले पंचदिवसेभ्य काव्य पाठ कालिदासस्य महाकाव्येभ्य नाटकेभ्यश्च प्रचलति। तत्र केचन श्लोकाः नैकशः नैकवारं पठिताः, तर्हि एतस्य महान् लाभोऽयं वर्तते यद् यः कोऽपि एकं वारमपि तान् तान् श्लोकान् न श्रुतवान् तस्य कण्ठे इदानीम् आगतः स्यात् सः श्लोकः, वारं वारं श्रावं श्रावं तस्य कण्ठे अवश्यम् आगतः स्यात्। तु एषः महान् लाभो वर्तते। केचन श्लोकाः सन्ति, यद्यपि सर्वे श्लोकाः अत्यन्तं रमणीयाः मधुराः सन्ति। अभिज्ञानशाकुन्तलस्य, रघुवंशस्य, अन्येषाम् अन्येभ्यः च, इदानीं रसराजमहोदयेन ऋतुसंहारस्य अपि शरद् ऋतु वर्णनं श्रावितम्। इदानीं शरद् ऋतु वर्तते एव। तो मन्ये कुमारसम्भवस्य श्लोकाः न वाचिता स्युः अथवा न्यूनत्वेन वाचिता स्युः, तर्हि अहं प्रथमसर्गस्य कुमारसम्भवस्य कांश्चन श्लोकान् पठामि आरभ्य। अस्य मङ्गलाचरणम् अन्येभ्यः भिन्नम् अस्ति, एतत् सर्वे जानन्ति भवन्तः। अत्र तु पठामि तावत्। अस्त्युत्तरस्यां दिशि देवतात्मा हिमालयो नाम नगाधिराजः, पूर्वापरौ तोयनिधिवगाय स्थितः पृथिव्या इव मानदण्डः, यं सर्वशैलाः परिकल्प्य वत्सम्। पौराणिकम् एवं पौराणिकी चर्चा वर्तते। यं सर्वशैलाः परिकल्प्य वत्सम् मेरौ स्थिते दोग्धरि दोहदक्षे, भास्वन्ति रत्नानि महौषधीश्च पृथूपदिष्टां दुदुर्धरित्रीम्, अनन्तरत्नप्रभवस्य यस्य हिमं न सौभाग्यविलोपि जातम्, एको हि दोषो गुणसन्निपाते निमज्जतीन्दो किरणेष्विवाङ्कम्। इवाङ्कः यश्चाप्सरो विभ्रममण्डनानां सम्पादयित्रीं शिखरैर्बिभर्ति, बलाः कच्छेदविभक्तरागा मकालसन्ध्यामिव धातुमत्ताम्, आमेखलं सञ्चरतां घनानां छायामधः सानुगतां निषेव्य, उद्वेजिता वृष्टिभिराश्रयन्ते शृङ्गाणि यस्या तपवन्ति सिद्धाः। एवं मध्ये मध्ये कांश्चित् श्लोकान् त्यक्त्वा करोमि। अत्र उद्गा यः पूरयन् कीचकरन्ध्रभागान् दरीमुखोत्थेन समीरणेन, उद्गास्यतामिच्छति किन्नराणां तामप्रदायित्वमिवोपगन्तुं, कपोलकण्डूः करिभिर्विनेतुं विघट्टितानां सरलद्रुमाणां, यत्र श्रुतक्षीरतया प्रसूतः सानूनिगन्धः सुरभीकरोति, वनेचराणां वनितासखानां दरीगृहोत्सङ्गनिषक्तभासः, भवन्ति यत्र औषधयो रजन्यामतैलपूरा सुरतप्रदीपा। पुनः यत् रघुवंशस्य
राज्ञां यद् गौरवं वर्तते अथवा श्रेष्ठानां यद् गौरवं वर्तते तादृशं सूक्तिमाध्यमेन कि दिवाकराद्रक्षतियो गुहासु लीनं दिवाभीतमिवान्धकारं क्षुद्रेऽपि नूनं शरणं प्रपन्ने ममत्वमुच्चै शिरसां सतीव लांगूलविक्षेप विसर्पिशोभैरितस्तत चंद्रमरीचिगौरै यस्यार्थयुक्तं यस्यार्थयुक्तं गिरिराजशब्दं कुर्वन्ति बालव्यजनैश्च मर्यः इति हिमालयस्य चित्रणं महाकविना कालिदासेन यत्कृतं तद् केचिदेव श्लोकाः मया प्रस्तुताः यतोहि अन्येजनाः अपि सन्ति अन्येपि श्रावयितुम् इदानीम् उद्युक्ताः सन्ति अस्तु नमो नमः पुनः एकवारम् एकम् इतोपि कि अत्र येऽपि काव्यं पठितवन्तः तेषु केचन बहु सम्यक् पठितवन्तः शुद्धं पठितवन्तः सस्वरं पठितवन्तः केचन किञ्चित् असम्यक् कृतवन्तः तो एतेषु एतत्र सर्वत्र अत्र सर्वत्र गुरूणां प्रभावः अपि मया अस्माभिः दृष्टः तो मालविकाग्निमित्रस्य एकः श्लोकः मह्यम् अत्यन्तं रोचते यत्र शिक्षकाणां वैशिष्ट्यं तत्र प्रदर्शितं कथं शिक्षकः भवेत् अत्रापि तथाविधाः शिक्षकाः सन्ति येषां तादृशं वैशिष्ट्यम् अस्ति विशिष्टा क्रिया कस्यचिदात्मसंस्था संक्रान्तिरन्या विशेषयुक्ता यस्योभयं साधु सशिक्षकाणां धुरि प्रतिष्ठापयितव्य एव धुरि प्रतिष्ठापयितव्य एव तर्हि अस्माकं ये छात्राः इदानीं सन्ति ते भाविकाले भाविनिकाले तथैव तादृशा एव कालिदास प्रोक्ताः शिक्षकाः स्युः एतत् कामना पुरस्सरं स्ववाचं विरमामि मान्ये अहं तेषां नाम चिह्नाङ्कितं कृतवान् अस्मि पुष्पाञ्जलि हाथी सत्यं शुक्लः अवश्यं पुष्पाञ्जलि पाठकः पुनः राम मिलन मिश्रः पुनः दिव्या मिश्रा अंशिका दुबे शंकरदत्त जोशी एते सन्ति इदानीम् अस्माकं कार्यक्रमाध्यक्षः यदा आदिशति अस्माकं मार्गदर्शक जगदानन्द झा महोदय यथा आदिशति नमो नमः महोदय अहं वक्तुं शक्नोमि किं मिश्र महोदय तत्र धनुर्धर झा एकं श्लोकं वक्तुम् इच्छति एवं भवेत् तावत् एकं श्लोकं भवेत् मम नाम हरिकः अस्ति सर्वेभ्यः नमो नमः सर्वेभ्यः अभिज्ञानशाकुन्तलस्य एकं पदं श्रावयामि कांश्चन श्लोकान् वक्तुम् इच्छामि केवलम् एकम् एकं वा एकः श्लोकः एकं पूर्वम् आशुतोष महोदयः अनन्तरं झा महोदय एवम् अस्माकं संस्कृतजगति एतादृशः कोऽपि जनः नास्ति यः कालिदासं न जानाति अथवा कालिदासस्य ग्रन्थानाम् आकर्षणं प्रति स्वस्य चित्तस्य उन्मादं न स्वीकर्तुं शक्नोति कालिदास महोदयस्य सर्वे ग्रन्थाः अस्माकं कृते निश्चितरूपेण संस्कृतसाहित्यस्य एव न अपि तु संस्कृत आनन्दस्य तादृशाः स्वरूपाः सन्ति श्लोकान् वक्तुम् इच्छामि एकः श्लोकः अस्ति मालविकाग्निमित्रस्य श्लोकः ईदृशः अस्ति पुराणमित्येव न साधु सर्वं न चापि काव्यं नवमेत्यवद्यं सन्तः परीक्षान्यतरद्भजन्ते मूढः परप्रत्ययनेय बुद्धिः वयं सर्वे जानीमः
मेघदूतम महाकालिदास तादृश ग्रंथ साधु 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 फलम एक श्लोक है तत्र फलम एक श्लोक है वह शत श्लोक समास थे स्वाधिकारस्तंगमित महिमा वर्षभोगेण भर्तुः यक्षश्चक्रे जनकतनया स्नान पुण्योदकेषु स्निग्धच्छाया तरुषु वसतिम् रामगिर्याश्रमेषु भवद्भ्यः सर्वेभ्यः धन्यवादः अधिकं समयः अधिकः समयः नास्ति अतः अनन्तरं पुनः मेलिष्यामि एव धन्यवादः नमो नमः सर्वेभ्यः श्रूयते भवद्भ्यः एवम् 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 उच्चायतम् प्रणवासन्त अभिज्ञानशाकुन्तलस्य प्रसिद्धं पदम् पातुं न प्रथमं व्यवस्यति जलं युष्मास्वपेतेषु या न दत्ते नदत्ते प्रियमन्दनोऽपि भवतां स्नेहेन या पल्लवम् आद्येव कुसुमप्रसूति समये आद्येव कुसुमप्रसूति समये यस्य भवत्युत्सवः आद्येव कुसुमप्रसूति समये यस्य भवत्युत्सवः सेयं याति शकुन्तला पतिगृहे सेयं याति शकुन्तला पतिगृहे सर्वैरनो ज्ञायतां सर्वैरनो ज्ञायतां सर्वैरनो ज्ञायतां धन्यवादः बहु सुन्दरं बहु सुन्दरं अग्रे शुक्लमहोदय आम् आम् आचार्यः इदानीं तु कार्यक्रमाध्यक्षाणाम् एव क्रमः अस्ति ते अस्मान् प्रमोद शुक्लमहोदयः एकमपि न श्रावयिष्यति वा मम एकं भवान् वदतु एकम् अहं वदिष्यामि अनन्तरम् अध्यक्ष महोदय एकं श्लोकम् उभौ अपि वदताम् क्व सूर्य प्रभो वंशः क्व चाल्प विषया मतिः तितीर्षु दुस्तरं मोहात् उडुपे नास्मि नास्मि असागरम् रम्यं 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 सर्वं कृतं भवता समुक्तम् एकेन श्लोकेन सर्वम् उक्तम् एवम् एवं जा महोदय अमुं पुरः पश्यसि देवदारुं पुत्री कृतोऽसौ वृषभध्वजेन यो हेमकुम्भस्तननीसृतानां स्कन्दस्य मातुः पयसां रसज्ञः रसः अत्रैव तथैव अत्र सर्वे रसज्ञाः उपस्थिताः सन्ति रसराजास्तु उपस्थिताः सन्ति एव सर्वेभ्यो नमो नमः मम एकः प्रश्नः वर्तते एकः प्रश्नः अस्ति महोदय कवीनां गणना प्रसंगे कनिष्ठिकाधिष्ठित कालिदासः वा दासः कुत्रचित् दासः मिलन्ति कुत्रचित् दासः मिलति तु कः समीचीनः
दासम न मिलति दासः एव कुत्रापि न मिलति दासः एव मिलति दासः एव अस्ति साधु साधु इदानीम् अस्मिन् पटले जे जे समुपस्थिताः सन्ति तेषां समेषां हार्दिकम् अभिनन्दनं यतोहि पाठकानां काव्यरसज्ञानां काव्यरसपिपासूनां संख्या एतावती वृद्धिं याति यत् सप्तवादनतः सार्धनववादनं जातम् इदानीमपि संख्या तु बलियसी अवशिष्टा एव वर्तते इदानीमपि ऐसा एव जिज्ञासा जागरिता स्यात् तदेव उद्देश्यमासीत् झा महोदयस्य अस्य कार्यक्रमस्य आयोजनस्य तत् सफलीभूतमिदानीम् अहं केवलं कुमार संभवस्य पंचम सर्गस्य अंतिमं पद्यं द्वयं श्रावयामि येन अत्र जे उपस्थिताः सन्ति तेषामपि हार्दिक भावना समुपस्थिता भवति आयोजकानामपि हार्दिकी भावना समुपस्थिता भवति अथ च यदि अस्य श्लोकस्य भावं गृह्णन्ति युवानः वृद्धाः वा तर्हि कुत्र अस्य श्लोकस्य प्रयोगः कर्तव्यः ते स्वयमेव ज्ञातुम् इच्छन्ति ज्ञातुम् अर्हन्ति वा दृश्य निर्माणे कालिदासः सर्वश्रेष्ठः यदि आज की भाषा में कहा जाए तो एपिसोड निर्माण में कालिदास का हाथ कोई नहीं पकड़ सकता इतना बेहतरीन दृश्य वो बनाते हैं जो वास्तविक में हम लोगों के लिए या अन्य लोगों के लिए कपोल कल्पित लगता है भगवान शंकर शंकर रूप में आ गए पार्वती ने पार्वती वहां से उठ के जा रही थी ब्रह्मचारी शंकर रूप में आए और ब्रह्मचारी ने उनका एक हाथ पकड़ लिया अब वो पार्वती ऐसे पलट के देखी तो साक्षात शंकर उपस्थित तो पति होने के कारण शर्म अब वो न पीछे मुड़ सकती है आगे जाएगी तो काहे के लिए क्योंकि जिसके लिए तपस्या की थी वो तो नहीं इतना बेहतरीन पद लिखा कालिदास ने तम वीक्ष्य बेपथुमति सरसांगयष्टि तम वीक्ष्य बेपथुमति सरसांगयष्टि निक्षेपनाय पदमुद्धृतमुद्वहन्ति मार्गाचल व्यतिकरा कुलिते बसिंधु सैलाधिराज तनया नययौ नतस्थौ सैलाधिराज तनया नययौ नतस्थौ अततश्च भगवतः शंकरस्य एकामेव पंक्तिं सर्वं जयति अद्य प्रभृत्यवन अद्य प्रभृत्यवनतांगितवास्मि दासः अद्य प्रभृत्यवनतांगितवास्मि दासः क्रीतः क्रीतस्तपोभिरितिवादिनी चन्द्रमौलौ अहन्नाय सा नियमजम् क्लममुत्ससर्ज क्लेशः फलेन हि पुनर्नवतां विधत्ते भवतु नाम होराद्वयं जातं परञ्च इदानीम् अस्माकमपि क्लेशः फलेन हि पुनर्नवतां विधत्ते एतेषां गायकानाम् एतेषां रश्मिपाशूनाम् उपस्थितिं वीक्ष्य वस्तुतः सक्लेशः गतः एवमेव यास्यति इति इति शिवं शंकरं कामये अथ च आचार्य अद्य यक्षस्य अपि कष्टनिवारणं भवेत् इति अस्माकं शापान्तो मे भुजगसेनात् सः तु श्वः वर्तते शापान्ते मे भुजगसेनात् मम भार्या वदति स्म यत् कोऽपि एवं वक्तुं पारयिष्यति यत् उदयातिथौ कालिदासस्य जन्म अभवत्
इति अद्यापि अस्ति एकादशी श्वः अपि अस्ति उदया तिथौ एव जन्म अभवत् अस्य कोऽपि नास्ति प्रमाणम् इति तु अद्यापि मुक्ति भवितुम् अर्हति एकादशी तिथि यदा निर्धारिता भविष्यति अस्माकं कृते उदया तिथौ वर्तते जा एकादशी अन्या तिथि यदि द्वितीये दिवसे केवलम अल्पकालम जावत् भवति सा विद्धा भवति सा न स्वीक्रियते परंतु एकादशीम हरेर बिना हरेर एकादशी जा देवोत्थान एकादशी वर्तते सा द्वितीय दिवसे यदि स्वल्पम भवति तरी तत्रैव गृहीतव्या भवति अतएव तत्रैव एकादशी भवति यदा एकादशी तदैव सापांतो में भुजग सेना दुथते सार्गपानो इति अस्माभिः स्वीकर्तव्यम् अस्तु एकं दिनं प्रतीक्षताम् इति मम मतम् अन्यथा सर्वे विद्वांसाः अत्र सन्ति विचारयितुं शक्नुवन्ति निर्धारयितुं शक्नुवन्ति च दिनम् एकं प्रतीक्षताम् एवम् 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 नमो नमः नमो नमः नमो नमः इदानीम् अस्माकं केन्द्रीय संस्कृति सूचयन्तु पार्श्वे एव वर्ते संस्कृतं भारतम् आमुखपटलस्य अध्यक्षमहोदयाः यदि सन्ति तदा कृपया सर्वेभ्यो नमो नमः वस्तुतः जब मधुर भोजन कर लेते हैं उसके बाद और कुछ भी अगर दीजिए तो जहर समान लगता है तीन घंटे से तो उसके बाद कुछ खाते नहीं है केवल वो मधुर भोजन का आस्वाद लेते रहते हैं रात भर तो वही हाल है अभी जो इतने तीन घंटे से रस पान कर रहे हैं उनको अगर कसाय रस हम दे दें अभी तो अच्छा नहीं लगेगा इसमें इस में भाग लेने वाले सभी प्रतिभागियों को सभी पाठकों को सभी श्रोताओं को सभी विद्वज्जन को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद जैसा कि हमारे निरंजन जी ने एक प्रस्ताव भी दिया रसराज जी भी है अरविंद जी भी है सब लोग हैं एक सात दिन का कार्यशाला तो हो ये छंद वाला वो जब आप लोग समय देंगे तब करेंगे क्योंकि जो हमारे इसमें कितने पाठक अच्छे से पाठ कर पाए हैं ये आप सब लोग जानते हैं तो हम लोगों का उद्देश्य भी वही है संस्कृतम भारतम का उद्देश्य भी वही है कि सभी लोग जितने भी हैं हमारे छात्र या अध्यापक या जो भी सामाजिक सब लोग इसमें अच्छे से छंद का गायन कर सकें यही हमारा उद्देश्य है हमारे संस्कृतम भारतम का यही है जन जन तक संस्कृत पहुंचे इसी के लिए हम ये लाख जो पूरे होने जा रहे हैं अपने संस्कृतम भारतम में वो उसका उद्देश्य यही है और उद्देश्य की सफलता तभी हो सकती है आप सब लोग ही संस्कृतम भारतम के स्तंभ हैं आप ही के बल से संस्कृतम भारतम चलता है मैं तो निमित्त मात्र हूँ और आशा है कि आप लोग जब समय देंगे तब हम एक छंद कार्यशाला पुनः एक बार करेंगे रसराज जी के परंपरा को बढ़ाना है और रसराज जी जैसे सिखाए हैं अपने छात्रों को पूरे भारत वर्ष को सिखा ले क्योंकि अगला राज्य उन्हीं का चलना है भारत वर्ष पर और निरंजन जी साथ में रहेंगे और अरविंद जी भी रहेंगे सबको नमस्कार करके आज की सभा का समापन करें यही हम सबसे निवेदन है करते हैं धन्यवाद सर्वेभ्यः अनंताः शुभकामनाः सर्वे वर्धन्ताम् अस्माकं गुरवः अस्मान् आशीर्वचोभिः सदा प्रेरयन्तु इदानीं शान्तिपाठेन सर्वेपि म्यूट् भूत्वा वदिष्यन्ति तत्र अहं म्यूट् अस्मि ॐ
शांति शुभ रात्रि प्रमोद जी।